Assalam दोस्तों, कैसे हैं आप? सब उम्मीद करता हूं ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज वो दिन आ गया है जब हम लोग अपनी गिरे वाली मुर्गी अंडे अंडे खेलने जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों काफी ज्यादा दिन हो चुका है। मेरे ख्याल से 15-17 दिन हो चुका है, तो कुछ दिनों बाद गिरे वाली के बच्चे घुटने वाले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसकी कैंडिंग कर ली जाए, क्योंकि जो अंडा खराब हो हम उसे फेंक देंगे, क्योंकि गिरे वाली बिजली हो जाएगा बैठी हुई अंडे में, तो बच्चे वगैरह निकाले और जगह नहीं हो पाएगी, माँ के नीचे सब कैसे आएगा, अंडा आएगा बच्चा आएगा। तो मैंने सोचा कैंडिंग कर ली जाए, जो अंडा खराब होगा उसे फेंक देंगे, जो अंडा अच्छा होगा उसे रख देंगे। देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये क्या कहते हैं, ये पोटी करती थी यहाँ पे हमारी गिरे वाली मुर्गी, तो इस अंडे में भी लगा हुआ है। अभी देखते हैं ये अंडा खराब सही होगा, ये अंडा अगर सही होता है तो हम इसे धो के वापस रख देंगे, अंडा खराब होता है तो इसे भी फेंक देंगे। अब बाकी ये सब अंडे मैं निकाल के रखा हूँ अभी, तो ये सबको भी चेक कर लेते हैं, अगर ये सही हुआ तो इसे रख देंगे, वरना इसे भी कुछ कुछ निकाल के फेंक देंगे। तो भाई मैंने इसी तरीके पहले यहाँ गेट बंद करते ताकि रोशनी ना आए। तो दोस्तों मैंने गेट ढक दिए, यहाँ से कपड़ा रोशनी नहीं ऐसे भी ढक देते, तो मैं दूसरा मोबाइल भी लिया और बैठते सुकून से बस अंडे की कैंडिंग करते हैं और देखते कितने अंडे सही कितने अंडे खराब। तो शुरुआत करते हैं, तो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। पहले इसको उठाते हैं, उल्टा रख दो। तो इसमें बच्चा है, इसमें है माशाल्लाह से, तो इसे चेक करते हैं, इसमें भी है। तो हम दोनों टूट गए, चेक करते हैं, इसमें भी है, तीन अंडा हमारे से टूट गए, चेक करते हैं, ये वाला एक खराब लग रहा है, तो इसे यहाँ रख देते हैं, यह खराब अंडे को, ये तीन अंडे यहाँ पे सही है। ओहो ओहो दोस्तों, दो अंडा खराब निकल चुका है हमारा, तो अभी देखते हैं, ये तीन दोस्तों हमारा सही है, दो खराब है, तो दो खराब हो गया, ये भी सही है, फटाफट चेक कर लेते हैं, ये भी हमारा सही है, ये भी सही है माशाल्लाह, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है माशाल्लाह से, दोस्तों सब ज़्यादा सही जा रहे हैं माशाल्लाह। दोस्तों ये भी खराब निकल गया, ये देख सकते हैं आप, फिर भी कोई पक्का नहीं है, फिर भी दोस्तों कोई पक्का नहीं है इसका, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा लाइट नहीं आ रही, बाकी दो अंडे जो है, ये वाला दो अंडा, इसमें लाइट प्रॉपर गुजर रही है, इसमें लाइट बिल्कुल नहीं गुजर पा रही है। अभी ये जो दोस्तों पोटी लगी इस वाले अंडे पे, ये तीन मुझे लग रहा खराब है, इसमें कोई पक्का नहीं है, तो उसको मैं यहीं रख देता हूँ, ये दो तो हम लोग कन्फर्म फेंक देंगे। तो अभी इसे उठाते हैं, एहतियात से उठाएंगे ताकि पोटी ना लग जाए, उसे चेक कर दें, अगर हुआ तो दोस्तों बच्चा तो धो के रख देंगे, नहीं तो फिर इसे ऐसे ही फेंक देंगे। इसका भी मुझे कंफर्म नहीं है, मैं सोच रहा हूँ इसे भी रख दूँ, सिर्फ दो अंडे भी फेंकते हैं, बाकी सब अंडा भी इसमें रख देते हैं, देखते हैं तीन चार दिन में इसके बच्चे उड़े जाएंगे, फिर आपसे शेयर करते हैं। तो बस दोस्तों यही हमारी आज की वीडियो थी, हमारे ना हम लोगों ने आज इसकी कैंडिंग कर ली, दोस्तों 3-4 दिन तक इसके बच्चे उड़ जाएंगे, फिर उसके बाद मैं एक नई चीज़ लेकर आऊँ आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को लाजमी दिखाऊंगा, तो आप लोग रेडी रहेगा उस सरप्राइज देखने के लिए, मैं आप लोग जल्द से जल्द दिखा दूंगा। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद से तो पसंद आएगी, पसंद आया तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल में जीता हूँ सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। कल अपने टॉपिक साथ अपनी वीडियो के साथ दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, खोल देते और मैं दोबारा से बता दूँ आप लोगों को, ये सारे अंडे हम दोबारा गिरे वाले के नीचे रख देंगे और ये दो अंडे हम फेंक देंगे जाके। अभी मैं फेंकने वीडियो आपको दिखा दूँगा यहाँ पे कि कौन से अंडे में फेंकते हैं, बच्चे निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। और दोस्तों जो लोग नए देखने वाले हैं उनको कैंडलिंग करना नहीं आता है, तो उनको मैं बता दूँ दोबारा गेट बंद करके कैसे होता है कैसे नहीं होता है कैंडलिंग, तो मैं आपको बता देता हूँ, तो जो लोग नए हैं वो सीख लें। ये देखिए ये दोस्तों पक्का नहीं है, मैं गलत चीज़ उठा दूँ, ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये दोस्तों जिसमें अंडा बन रहा होगा, तो ये देखिए जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है ना, ये अंडे में ये जो ब्लैक ब्लैक है वो है बच्चा, और बाकी जो खाली है ना वो सिर्फ सादा सा शेल है, क्यों? क्योंकि बच्चे जो है यहाँ से निकल सकते हैं आराम से चोंच चोंच मार के, तो जितना डार्क डार्क है वो बच्चे हैं, बाकी जो गया है आपको रोशनी दिख रही है उसमें वो चूजा नहीं है उसमें। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो दोस्तों अंडा पूरा बल्ब की तरह जल रहा है, अभी आप देख सकते हैं, अभी आपको दिखा दूंगा, ये देखिए एक ये अंडा और एक ये अंडा, तो देख सकते हैं आप ये दोनों, अब इसमें से इस अंडे में से बिल्कुल भी रोशनी बाहर नहीं जा रही है, और ये अंडा पूरा बल्ब की तरह जल, जैसे पीला बल्ब आता है ना वैसे उसकी तरह पूरा जल रहा है, तो इसका मतलब इस अंडे से बच्चा नहीं बन रहा है, अंडा पूरा खराब है, और इस अंडे में बच्चा बन चुका है। दोस्तों मैंने काफ़ी ज़्यादा देर बात करनी की है, तो मैं एक और चीज़ बता दूँ, जैसे ये अंडा है ना, तो आप देख सकते हैं, अगर आप लोग 3-4 दिन बाद इसकी कैंडलिंग करते हैं, तो 3-4 दिन बाद आप लोग इसकी कैंडलिंग करेंगे, तो आप लोगों को जो है इसमें नस बने हुए नजर आएंगे, लाल लाल बहुत सारे नस होंगे इसके अंदर, तो आप समझ जाओ इसमें बच्चे बन रहे, तो उसको आप रख दें, और जो अंडा इसे जल लो 3-4 दिन बाद नहीं, कम से कम हफ्ता भर रुक जाया करिए, उसके बाद कैंडलिंग क्या करिए, जिसमें नस नहीं हो तो वो आप फेंक दें, क्योंकि मुर्गी को डिस्टर्ब होता है, बहुत सारा अंडा कवर नहीं कर पाती सही से, उसको प्रॉब्लम होती है, तो उसे फेंक दें,
और जिसमें ना से उसे रख दें उसमें इंशाल्लाह हम लोग बच्चा तैयार होकर निकल जाएगा। तो ये दो अंडा भी मैं फेंक देता हूँ और संडे को धो के अभी मैं जाके फटाफट वापस टब में रख दूंगा। बस उसे जब तक रह दीजिए, अल्लाह हाफिज़।